तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विवेक और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले Asus का Max Pro M3 के बारे में। जी हाँ गाइस, Asus का Max Pro M3 के बारे में बात करेंगे। लेकिन गाइस, आपको तो पता ही होगा Asus का Max Pro M1 और Max Pro M2 काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल डिवाइस रहे हैं गाइस उसके प्राइस पॉइंट के लिए गाइस। और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी पूछते हैं गाइस कि Asus का Max Pro M2 उनको लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गाइस आपको उसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660 और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है गाइस उसी फ़ोन का। लेकिन गाइस, यहाँ पे Asus का Max Pro M3 का भी कुछ लीक्स निकल कर आ गया है, तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला इसका प्राइसिंग लॉन्च डेट के बारे में। और गाइस, यहाँ पे वीडियो पर आ ही गया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इस बार देखने को मिल जाएगा 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस वाला स्क्रीन। गाइस, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आएगी, तो आपको AMOLED का पैनल देखने को मिलेगा। अगर नहीं आती तो गाइस आपको IPS LCD वाला पैनल ही देखने को मिल जाएगा। गाइस, बात करेंगे फोन के डिजाइन के बारे में, तो गाइस इसमें आपको इस बार देखने को मिल जाएगा ग्लॉसी ग्रेटर वाला लुक विद ग्लास बैक गाइस, जो कि Asus के Max Pro M2 में नहीं मिलता था। तो गाइस, प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, जो कि काफी अच्छा होने वाला है, जैसे कि Asus के Max Pro M2 में भी आपको यही देखने को मिला था। गाइस बात करेंगे इस फोन के हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में, मतलब इसके कैमरास के बारे में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाइस 48 मेगापिक्सल का कैमरा, क्योंकि गाइस ये जो फोन लॉन्च होगा Redmi Note 7 Pro को कम्पीट करने के लिए लॉन्च होगा, तो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा कैमरा विद सोनी का IMX586 वाला सेंसर गाइस, और साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस, यहाँ पर बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरा के बारे में, जैसे कि आपको पता है Asus का Max Pro M2 में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिला था, तो इस बार गाइस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होकर आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है गाइस। गाइस, यहाँ पर बात करें फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो गाइस ये लॉन्च होने वाला गाइस एंड्रॉइड पाई के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर एंड्रॉइड क्यू के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट गाइस। गाइस, यहाँ पर बात करें फोन के प्रोसेसर के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस, यहाँ पर बात करें फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो गाइस हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए स्नैपड्रैगन 675 या फिर स्नैपड्रैगन 710 वाला चिपसेट। यहाँ पे दोनों ही चिपसेट काफी अच्छे है गाइस, तो यहाँ पे गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गाइस। साथ ही गाइस, ये फोन लॉन्च होने वाला 4GB और 6GB वाले रैम वेरियंट में। लास्टली गाइस, बात करते हैं फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, जैसे कि आपको पता है Asus में बैटरी काफी ज्यादा आता है गाइस, तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और आपको क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4.0 भी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है गाइस इस बार आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। गाइस, बस यही थे कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। गाइस, बात करते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस ये लॉन्च होने वाला है 13,000 से 14,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के अंदर, क्योंकि गाइस ये जो फोन होने वाला है Redmi के Note 7 Pro और Realme 3 Pro को कम्पीट करने वाला है, तो आपको यही प्राइस पॉइंट में ये फोन देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस, बात करते हैं फोन के लॉन्च डेट के बारे में, जैसा कि पता आपको Asus का Max Pro M2 पिछले साल अप्रैल के अंदर लॉन्च हुआ था, तो गाइस अभी Asus का Max Pro M3 का तो कुछ लीक्स निकल कर नहीं आई है कि ये लॉन्च कब होगा, कुछ रूमर्स भी नहीं आएगा, तो हो सकता है गाइस ये आपको देखने को मिल जाए मई या जून के महीने के अंदर गाइस। तो गाइस, बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको Asus का Max Pro M3 जरूर कमेंट करके बताना, अगर आपको कुछ बोलना है तो वो भी कमेंट करके बोल देना, आपके लिए कमेंट सेक्शन तो हमेशा खुले ही रहता है गाइस। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस। तो गाइस, यहां पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, 1K सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, तो 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो गाइस आप लोगों के लिए कुछ करना चाहूंगा, मतलब कि कुछ सरप्राइज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।